फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक बनाना सीखेंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुल फ्रॉक है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। फ्रेंड्स, तो आज हम इसी फ्रॉक को बनाना सीखेंगे। ये फ्रॉक हमने 2 से 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाई है एंड इसका जो चेस्ट है हमने 6 इंच का रखा हुआ है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप किसी भी कलर का बनाएं, मैंने सिंगल कलर का बनाया। अब कलर आप अपने चॉइस का ले सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक है। आई होप अभी तक आपने ऐसी डिज़ाइन की फ्रॉक नहीं बनाई होगी, तो चलिए आज साथ मिलकर इस फ्रॉक को बनाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड वीडियो को पूरा देखें। इसी वीडियो में मैंने 5 एंड 6 ईयर गर्ल के लिए भी मेजरमेंट बताया है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बनाई हुई फ्रॉक आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल फ्रॉक को बनाना। इस फ्रॉक को बनाने के लिए वर्धमान की 2 प्लाई की वूल का यूज़ करेंगे एंड 5 नंबर का क्रोशेट हुक 3.0 mm। तो सबसे पहले हम 85 चैन लेंगे, नॉट बनाई हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम टोटल 85 चैन लेंगे पहले। ये हमने 85 चैन बनाई। अब हम देखेंगे कितनी सेंटीमीटर हमारी चैन बन के रेडी हुई है, क्योंकि किसी का लूप थोड़ी टाइट होते हैं, किसी के लूज़ होते हैं, तो हम इंची टेप से थोड़ा सा इसका मेज़र कर लेंगे चैन का कितनी सेंटीमीटर है। ये देखिए 48 सेंटीमीटर हमारी चैन बनकर रेडी हुई है। अब हम 3 चैन लेंगे, 1, 2 एंड 3। 3 चैन लेने के बाद 1, 2, 3 स्किप करेंगे। ये देखिए 4th चैन से, अब ये हमको यहाँ से ध्यान देना है, ये चैन का सीधा पार्ट है एंड ये चैन का बैक, ये देखिए, तो बैक साइड से हम बनाएंगे। बैक साइड से जो ये लूप हैं, ये जो लूप हैं, ये बैक साइड से ये वाले लूप सेंटर में जो बने हैं चैन के, ये देखिए, तो इनको उठाते हुए हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1, 2, 3 थर्ड को छोड़ के 4th से, ये देखिए, चैन को टर्न करेंगे ऐसे, 4th से हम बनाएंगे, ये वाले लूप उठाएंगे बैक साइड से, ये देखिए ध्यान से, ये वाला लूप उठाएंगे, हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये थ्री लूप से निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशेट है। ऐसे हम ये, तो हम चैन के बैक लूप से ही निकालेंगे अपने हुक को लेते हुए, चैन बनाते समय थोड़ा लूज रखें, टाइट बिल्कुल भी नहीं रखें। यहाँ से ऐसे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 लूप से निकालेंगे एक साथ, इसको हाफ डबल क्रोशेट बोलेंगे। ये हम अपनी पूरी रो बैक लूप से हाफ डबल क्रोशिया लेते हुए, ये देखो, तो हमको ये वाले जो लूप है सेंटर में, 2 चैन के सेंटर में है बैक साइड से, ये वाले जो ये वाले उठे वाले ये वाले लूप हैं, इनको उठाते हुए हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे, ये देखिए ऐसे, ये वाले जो लूप हैं इनको उठाते हुए बनाएंगे। तो ये हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे पहले। तो ये हमने अपनी रो कंप्लीट की हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब हम वर्क को टर्न करेंगे। अब ये जो हमारा, ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई, ये जो चैन है, अब यहाँ से देखिए, ये जो चैन है, ये चैन का ये वाला बैक लूप, ये वाला लूप लेंगे, फ्रंट लूप नहीं, बैक लूप उठाते हुए हम बनाएंगे। तो पहले सेम, ये हमने लिया, पहले सेम चैन में बनाएंगे बैक लूप से उठाते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये देखिए यहाँ से उठाया हमने ये वाला लूप, अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो ये मैं हाफ डबल क्रोशिया यहाँ से भी हम बैक लूप से उठाते हुए बनाएंगे चैन के यहाँ से। ये देखिए ठीक है, हमारी जो सीधी चैन बनी हुई है ये चैन है, यहाँ से ये वाला उठाएंगे बैक साइड वाला। तो ये हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे उठाते हुए बैक साइड से हाफ डबल क्रोशिए की। सेकेंड रो भी कंप्लीट करेंगे अपनी। ये हम अपनी सेकेंड रो भी कंप्लीट करेंगे। तो हमने अपनी रो कंप्लीट की, लास्ट में डबल क्रोशेट बनाएंगे बैक लूप से लेते हुए, वर्क को टर्न करेंगे। अब हम सेम स्टिच में हम ये देखिए बैक साइड से ही, अब ये जो हमारी चैन है बैक साइड से, ये बैक लूप उठाते ही हम इसमें भी हम बनाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टिच में ही हम सेम प्लेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे वन, नेक्स्ट वाली स्टिच है ये बैक लूप लेंगे, ये वाला बैक लूप लेंगे, इसमें वन डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम प्लेस में टू, नेक्स्ट वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच में वन एंड टू, सेम प्लेस में ही टू बनाएंगे। यहाँ से हमारी नेक लाइन इंक्रीज होगी, ये देखिए। फिर नेक्स्ट में ये बैक लूप उठाएंगे यहाँ से, फ्रंट का नहीं बैक से उठाएंगे, वन नेक्स्ट में बनाएंगे फिर डबल क्रोशेट वन एंड टू, नेक्स्ट में वन, फिर नेक्स्ट में वन डबल क्रोशेट एंड टू, फिर नेक्स्ट में वन डबल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट वाली स्टिच में वन एंड टू। तो ये हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे, इसे पूरी करते हुए कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। तो हमने एक स्टिच वन स्टिच में हमने बनाया वन डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट में टू, ये देखिए। तो ये टोटल हम अपनी रो इंक्रीज करते हुए बनाएंगे वन टू वन टू वन टू वन टू। तो ये पूरी रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे नेक लाइन की। तो ये हमने अपनी रो कंप्लीट की। तो ये देखिए नेक लाइन का शेप हमारा ऐसा आएगा, ये सेंटर में क्लीन है, ये ऐसा नेक लाइन का शेप आएगा। अब हम लास्ट की डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये लास्ट में बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब वन स्किप करके नेक्स्ट में वन स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, सेम प्लेस में डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन चैन सेम प्लेस में ही जो टू डबल क्रोशेट एक साथ बना है सेम प्लेस में ही वन टू, वन चैन वन स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, वन स्टिच करके नेक्स्ट में तो वन चैन स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया हमने,
सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, वन चैन, फिर सेम प्लेस में वन एंड टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया, वन स्टिच स्किप किया हमने, ये देखिए वन चैन स्किप करके नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया, सेम प्लेस में टू, वन चैन, सेम प्लेस में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड टू, ये देखिए वन स्किप करके स्टिच स्किप की हमने, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर वन स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, सेम प्लेस में वन, वन चैन, सेम प्लेस में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू, ये देखिए तो ये रो हम अपनी ऐसी कंप्लीट करेंगे। पहले हमने वन स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में टू डबल क्रोशिया, वन चैन, टू डबल क्रोशिया, सेम प्लेस में बनाएंगे, वन स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया, वन स्टिच स्किप किया हमने, नेक्स्ट में टू डबल क्रोशिया, वन चैन, टू डबल क्रोशिया, स्टिच वन स्किप स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डायरेक्ट वन स्टिच स्किप किया हमने, नेक्स्ट में टू डबल क्रोशिया, वन चैन एंड टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पूरी रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। ये हमने अपनी रो कंप्लीट की, लास्ट में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे वन स्टिच स्किप करके, ये लास्ट है हमारा यहाँ पे। तो ये हमने अपने राउंड कंप्लीट किया पूरा, ऐसे देखिए वर्क को टर्न करेंगे, सेम प्लेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब ये जो वन चैन स्पेस है यहाँ पे हम वन टू, वन चैन, सेम प्लेस में वन एंड टू, टू डबल क्रोशेट बनाए, और ये जो हमारी ये देखिए जो डबल क्रोशेट है सिंगल, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये देखिए फ्रंट से उठा के एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में वन चैन स्पेस, वन एंड टू डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन, वन चैन एंड सेम प्लेस में वन एंड टू डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब ये जो सिंगल हमारा स्टिच है डबल क्रोशिया का, इसको हम फ्रंट से उठा के ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट है, ये वन चैन स्पेस है, इसमें हम वन टू, टू डबल क्रोशिया, वन चैन, सेम प्लेस में वन एंड टू डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट में हमारी डबल क्रोशेट है सिंगल, ये देखिए इसको हम फ्रंट से उठाएंगे एंड डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पे, वन चैन स्पेस, वन, टू डबल क्रोशेट, वन चैन एंड वन, सेम प्लेस में टू डबल क्रोशेट। तो ये हम अपनी को पूरी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने स्टार्टिंग से वन डबल क्रोशेट बनाया, वन स्टिच स्किप करके वन चैन स्पेस है, इसमें हमने टू डबल क्रोशिया, वन चैन, टू डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया, उसके बाद नेक्स्ट में वन चैन स्पेस आया हमारा, फिर हमने टू डबल क्रोशिया, वन चैन, टू डबल क्रोशिया बनाया। ये जो हमारा सिंगल डबल क्रोशिया था इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया हमने, ये पूरी जो हम अपनी कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। हमने अपना राउंड कंप्लीट किया, ये देखिए ऐसा बनना स्टार्ट हो गया हमारा डिज़ाइन। यहाँ से लास्ट में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, सेम प्लेस में फिर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे,
डबल क्रोशिया बनाया आपने। अब ये वन चैन स्पेस है, वन चैन स्पेस, इसमें वन टू, वन चैन सेम प्लेस में वन एंड टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था, ये देखिए, इसको बैक से लेंगे, ऐसे बैक से उठा के बनाएंगे, वन चैन स्पेस, वन डबल, टू डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। ये देखिए, वन चैन स्पेस में हमने वन एंड टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चैन सेम प्लेस में वन एंड टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारा वन डबल क्रोशिया है, इसको हम बैक से लेके ऐसे बैक पोस्ट डबल बैक से उठा के बनाएंगे। देखिए ध्यान से, ये ऐसी हुक को हमने नीचे से लेंगे ऐसे उठाते हुए, ये देखिए, वन चैन स्पेस, यहाँ पे हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू, वन चैन सेम प्लेस में वन एंड टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया है, इसको हम बैक से लेंगे, ये फ्रंट पर डबल क्रोशिया था, इसको बैक से ऐसे उठाएंगे, ये देखिए, ये उठा के डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, वन चैन स्पेस, टू डबल क्रोशिया, वन चैन एंड टू डबल क्रोशिया, वन टू। ये हमारा, ये देखिए, बैक से हमने फ्रंट पर डबल क्रोशिया बनाया था, अब ये बैक से उठाएंगे ऐसे। तो ये हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे बनाते हुए, पूरा सेम बनाएंगे, बट हम जो हमारी जो फ्रंट पर डबल क्रोशिया थी, ये बैक से उठा के डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो ये देखिए सीधे में ऐसा आएगा। तो ये हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। तो ये हमारा लास्ट, ये देखिए फ्रंट, ये बैक से उठा के डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। अब लास्ट में हम, ये लास्ट है, वन चैन स्पेस, वन टू, वन चैन, वन डबल क्रोशिया एंड सेम प्लेस में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने अपनी को कंप्लीट की, ये ऐसा शेप आएगा बनने के बाद राउंड नेक का, ये देखिए। तो हमने टू डबल क्रोशिया, वन चैन एंड टू डबल क्रोशिया की वन टू थ्री, थ्री रो बनाई हमने, एंड ये देखिए, एंड फ्रंट पर डबल क्रोशिया के साथ हमने ये थ्री रो बनाई, एक रो और बनाएंगे सेम। तो हमने लास्ट में डबल क्रोशिया बनाया, वर्क को टर्न करेंगे, डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम प्लेस में। अब हम फिर सेम रो बनाएंगे, यहाँ पे ये सेंटर है वन चैन स्पेस का, इसमें हम वन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चैन एंड सेम प्लेस में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, डायरेक्ट वन चैन स्पेस है, इसमें हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, वन एंड टू, वन चैन सेम प्लेस में वन एंड टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, डायरेक्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम वो बनाएंगे, कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे अपनी वर्क के वाला। ये देखिए ऐसे, ये पूरा हम सेम यहाँ तक बनाते हुए आएंगे, कंप्लीट करेंगे। ये हमने अपनी रो कंप्लीट की, लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये तो हमने अपना कंप्लीट किया। ये अब यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ से जस्ट स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे।
थ्री चैन, वन टू थ्री, थ्री चैन लेने के बाद देखिए अभी जो वन चैन स्पेस है, ये जो टू डबल क्रोशेट के बीच में वन चैन स्पेस है, इसमें हम वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशेट लेंगे, वन चैन सेम प्लेस में वन टू एंड थ्री, थ्री डबल क्रोशेट लेंगे। अब ये जो हमारी ये जो डबल क्रोशेट है, फ्रंट पर डबल क्रोशेट, फ्रंट पर डबल क्रोशेट ही लेंगे। नेक्स्ट में वन चैन स्पेस है, इसमें भी हम वन टू एंड थ्री, वन चैन सेम प्लेस में वन टू एंड थ्री। अब हमारी थ्री डबल क्रोशेट की रो स्टार्ट हो जाएगी, तो फ्रंट पर डबल क्रोशेट लेंगे डायरेक्ट, नेक्स्ट भी सेम बनाएंगे, ये पूरी रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। तो ये पूरा राउंड हम अपना यहाँ से यहाँ तक आके पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे आके, ये हमने अपनी रो कंप्लीट की, ये पूरा राउंड कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे कैसे, तो हमने थ्री डबल क्रोशेट वन चैन थ्री डबल क्रोशेट का राउंड कंप्लीट किया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया। अभी जो थ्री चैन स्टार्टिंग की, यहाँ से हम बैक साइड से देखिए क्रोशेट कुछ को लेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, थ्री चैन वन टू थ्री, थ्री चैन लेने के बाद ये जो वन चैन स्पेस है इसमें हम वन टू एंड थ्री, थ्री डबल क्रोशेट लेंगे, वन चैन सेम प्लेस में वन टू एंड थ्री, थ्री डबल क्रोशेट लिया हमने, डायरेक्ट फ्रंट पर डबल क्रोशेट बनाएंगे, इसको उठा के डबल क्रोशिया इसको उठा के फ्रंट पर डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम वन चैन स्पेस में आएंगे, वन टू थ्री, वन चैन सेम प्लेस में वन टू एंड थ्री, देखिए थ्री बनाया हमने, फ्रंट पर डबल क्रोशेट लेंगे डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट में वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में वन चैन स्पेस है तो वन टू एंड थ्री, वन चैन सेम प्लेस में, ये देखिए सेम प्लेस में वन डबल क्रोशिया, वन टू एंड थ्री, ये थ्री लिया हमने। फिर फ्रंट पर डबल क्रोशेट बनाएंगे, तो ये रो हम अपनी थ्री डबल क्रोशेट वाली हमने वन टू, तो थ्री डबल क्रोशेट वाली हमें थ्री रो बनानी है, तो वन टू ये वाली टू रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थर्ड रो और बनाएंगे, एक रो और बनाएंगे, तो वन टू थ्री रो हो जाएंगी हमारी कंप्लीट। लेकिन बट ज्वाइनिंग हमें यहीं से करनी है, जैसे यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है सेम यहाँ पे भी ज्वाइंट करेंगे इसको। तो हम अपनी टोटल थ्री रो कंप्लीट करते हैं थ्री डबल क्रोशेट वाली बना के। तो हमने थ्री डबल क्रोशेट वन चैन का स्पेस, थ्री डबल क्रोशेट का राउंड पूरा कंप्लीट किया, ये देखिए ऐसे ये हमारा शेप ऐसा बन के आएगा ऊपर का। अब हम स्लिप्स डिवाइड करेंगे कैसे बनाएंगे, तो ये टोटल हमारी जो ये वन रो है हमारी डिज़ाइन की, टोटल हमारी 32 बनी हुई है ये रो, यहाँ से काउंट करेंगे एक एक, तो पूरी टोटल हमारी 32 रो बनी है, कंप्लीट हुई है बनके। तो ये देखिए जहाँ से हमारा ये ज्वाइनिंग पार्ट है, पहले यहाँ से जहाँ से हमारा ज्वाइनिंग पार्ट है यहीं से हम काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर एक मार्कर लगाएंगे, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट में मार्कर लगाया हमने, फिर इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये एट आ गया हमारा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड ये फोर, वन टू थ्री फोर, टोटल हमारा 32 है। ज्वाइनिंग पार्ट से हम डिवाइड करेंगे, फोर इधर की फोर इधर की, तो ये हमारा देखिए ये बैक है, ये बैक का पार्ट निकल आया, पहले यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये, उसके बाद एट पार्ट एट काउंट करेंगे टोटल, तो यहाँ से एक मार्कर लगाएंगे, सेकेंड मार्कर लगाएंगे यहाँ से काउंट करके एट, तो ये हमारा
फर्स्ट स्लिप्स का ज्वाइनिंग पार्ट निकल आ गया। देखिए फर्स्ट स्लिप चाहिए। इसके बाद ये टोटल यहाँ से आएंगे, 8 काउंट करेंगे बैक साइड से, तो ये हमारा फ्रंट आ जाएगा। ये देखिए, तो ये हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि कैसे करना है, तो ज्वाइन करके बनाएंगे कि कैसे बनाना है। यहाँ से ज्वाइन करेंगे हम 1/3 चैन से ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, यहाँ से ज्वाइन किया। अब हम बैक साइड से लेके इसी जो 3 चैन बनाई थी ज्वाइनिंग वाली, यहीं से लेके बैक साइड से स्लिप स्टिच लेंगे। अब हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चैन लेने के बाद देखिए, अब यहाँ से हमारा स्टिच चेंज होगा। ये बैक साइड से बनाएंगे, देखिए नीचे से लेते हुए पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। ये जो हमारी 1, 2, 3 डबल क्रोशिया इन्हीं में बनाएंगे, फिर बैक साइड से लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाई हमने, पहले डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाई हमने। अब ये जो हमारा थर्ड वाला है 1, 2, 3 वाला, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बैक साइड से ही बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट है हमारा, ये डबल क्रोशिया, इसमें हम बैक साइड से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम, ये लास्ट है, इसमें हम बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अब ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, तो इसको बैक साइड से ही बनाएंगे। अब फिर से हमारी ये 3 डबल क्रोशिया आ गए। फिर से देखिए, पहले हम डबल क्रोशिया लेंगे बैक साइड से, अब हम बैक साइड से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे एक। अब ये 1 चैन का स्पेस है, इसके बगल वाली जो साइड में है इसमें हम सिंगल क्रोशिया लेंगे एक, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया एक लेंगे, अब हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया लेंगे। बहुत इजी है। फिर से देखिए कैसे किया हमने। अब हम बैक साइड से बैकवर्ड डबल क्रोशिया लेंगे। अब ये हमारा फिर से 3 डबल क्रोशिया हो गया, 1, 2, 3। तो पहले हम बैक साइड से डबल क्रोशिया लेंगे, पहले फिर हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, अब हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमारी 3 हो गए यहाँ पे, हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में आएंगे सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया लेंगे। चलिए हमने, अब ये जो हमारी रो है इसको हम सीधे बैक साइड से इसको भी लेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे। अब नेक्स्ट फिर आ गया हम यहाँ पे, देखिए पहले डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया। अब ये हमारा मार्कर आ गया। यहाँ पे हम पहले डबल क्रोशिया लेंगे बैक साइड से, अब हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चैन लेने के बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 छोड़ने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हम स्लिप्स ज्वाइन करेंगे। अब अपनी ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे बैक साइड से डबल क्रोशिया लेंगे, हमारी स्लिप्स ज्वाइन हो गई एक। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट में आएंगे सेम,
तो हम सेम बनाएंगे। ये देखिए पहले डबल क्रोशिया बैक साइड से, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एंड डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे अब हम सेम बनाएंगे बैक साइड से डबल क्रोशिया लेते हुए। तो ये देखिए यहाँ ये हमने बनाया, यहाँ से जैसे जैसे यहाँ पे बनाया वैसे स्लिप ज्वाइन करने के बाद इस पॉइंट को बनाते हुए, यहाँ से बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे, सेकंड स्लिप ज्वाइन करेंगे। पहले यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, मार्कर तक आएंगे बनाते हुए। अब ये हमारा मार्कर है, बैक साइड से हमने डबल क्रोशिया ले लिया, थ्री चैन के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 है हमारा मार्कर लगा हुआ है। यहाँ से हम सीधे बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे जॉइंट हो गया, मार्कर निकाल देंगे, कंटिन्यू बनाएंगे। ये पहले डबल क्रोशिया जैसे भी बनाया था, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, बैक साइड से डबल क्रोशिया लेंगे। ये ऐसे हम बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे, ये जो थ्री चैन लिया था हमने स्टार्टिंग में, यहीं तक आएंगे बनाते हुए। तो ये हमने अपनी रो कंप्लीट की बना के राउंड पूरा। अब हम यहाँ से 1, 2, 3 थर्ड चैन थी यहीं से ज्वाइंट कर देंगे। वन चैन। अब ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया ही लेंगे बनाते हुए। हर एक सिंगल क्रोशेट में पूरी सिंगल क्रोशेट की रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशेट लेनी है। बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे, यहाँ पे थ्री चैन है 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी हम थ्री सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये पूरी हम सिंगल क्रोशिया से रो कंप्लीट करेंगे, यहाँ से भी पूरी रो कंप्लीट करते हुए। तो टोटल सिंगल क्रोशेट की रो कंप्लीट की, ये देखिए टोटल हमने 8 रो बनाई है। आपको बनाना है तो आप 10 रो तक इसको बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और वाइड रखना है ये वाला पार्ट, तो आप 10 रो तक बना सकते हैं। टोटल हमने 8 रो बनाई। 8 रो बनाने के बाद अब ये देखिए यहाँ से हम थ्री चैन लेंगे, यहाँ से ज्वाइन किया वन चैन से, यहाँ से ज्वाइन करेंगे ये वन चैन, ये देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके थ्री चैन लेंगे, 1, 2, 3। थ्री चैन लेने के बाद आपको अगर ये यहाँ से ज्वाइनिंग पार्ट है ये हमारा सिंगल क्रोशेट का, तो यहाँ से मार्कर लगा के ही ज्वाइन करें, तो बिल्कुल सीधी रो आपकी आएगी ज्वाइन करते समय। ये देखिए तो हमने सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 1, 2 एंड 3। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए सेम प्लेस में। यहाँ पे पहले हमने 3 चैन लिया, सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये देखिए बनाया हमने। अब 1, 2 चैन स्किप करके नेक्स्ट जो थर्ड है हमारी, इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 ये देखिए ऐसे लेंगे, 1, 2 एंड 3 लिया हमने, एक साथ निकालेंगे
सभी लूप एक साथ निकाले हमने, ये टू लूप हमारे हैं, टू को एक साथ निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पफ स्टिच है, टू चैन, सेम प्लेस में फिर बनाएंगे एक पफ स्टिच, वन टू एंड थ्री, थ्री बनाए हमने एक साथ निकालेंगे। ये देखिए, ये तो हमारे यहाँ पे टू लूप है, टू को एक साथ निकालेंगे, टू चैन, सेम प्लेस में एक और पफ स्टिच बनाएंगे, वन टू थ्री, एक साथ निकाल लेंगे, फिर ये टू लूप से निकालेंगे। तो ये हमारे, ये देखिए, पफ स्टिच बन के रेडी हो गई। अब हम वन टू थर्ड से फिर स्टार्ट करेंगे बनाना, वन डबल क्रोशिया बनाया हमने, वन नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री डबल क्रोशेट बनाए हमने, नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन, फिर नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बनाया हमने, ये देखिए। तो यहाँ हमने वन टू थ्री डबल क्रोशेट बनाए, वन टू थ्री कंटिन्यू थ्री डबल क्रोशेट बनाए। उसके बाद जब हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया इसके जस्ट इस सेम प्लेस में डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो थ्री के बाद, ये देखिए, थ्री के बाद हमारे यहाँ पे टू डबल क्रोशिया एक साथ बने हैं। उसके बाद फिर थ्री कंटिन्यू हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हम फिर पफ स्टिच बनाएंगे अपनी, वन टू थ्री थर्ड स्टिच से, वन टू थ्री, ये देखिए थर्ड स्टिच से हम पफ स्टिच बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, एक साथ लेंगे, टू लूप से निकालेंगे। तो पफ स्टिच जो है हम ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे, सेम लेंथ रखेंगे जितनी हमारी डबल क्रोशेट है, टू चैन, वन टू, सेम प्लेस में फिर पफ स्टिच ही बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री बनाए हमने एक साथ निकालेंगे, ये टू लूप है, टू लूप को एक साथ निकालेंगे, टू चैन, फिर हम पफ स्टिच बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री बनाए हमने, ये देखिए एक साथ निकालेंगे, टू लूप से निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट, ये देखिए यहाँ पे आ गए, वन टू थ्री थर्ड स्टिच से हम डबल क्रोशिया लेंगे, वन टू थ्री फोर, सेम प्लेस में फिर एक डबल क्रोशिया लेंगे, फाइव, इसके बाद वन टू एंड थ्री। तो यहाँ पे हमने थ्री डबल क्रोशिया लिए कंटिन्यू, तो हमारा टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट डबल क्रोशेट है। तो ये हम अपनी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, पूरी बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे, फिर हम टू स्टिच स्किप करके पफ स्टिच लेंगे थ्री, टू चैन लेते हुए, उसके बाद टू स्टिच स्किप करके फिर डबल क्रोशिया लेंगे थ्री, फिर डबल क्रोशिया लेंगे सेम प्लेस में टू डबल क्रोशिया, फिर कंटिन्यू थ्री डबल क्रोशिया लेंगे, तो टोटल एट डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो सेम रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे ऐसे, देखिए। तो ये रो हम पहले अपनी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने अपना राउंड कंप्लीट किया। अगर यहाँ पे एक दो स्टिच कम हो जाती हैं तो यहाँ से आप एडजस्ट कर लें। तो अब यहाँ पे हम वन टू, तो यहाँ पे देखिए हमने वन टू थ्री स्टार्टिंग में बनाए थे, ये जो दो टू डबल क्रोशेट एक साथ लिए थे हमने, थ्री चैन के बाद सेम प्लेस में एक डबल क्रोशेट लिए थे, वन टू थ्री फोर फाइव है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे चाहिए वन टू थ्री, थ्री चाहिए हमें यहाँ पे डबल क्रोशेट, तो हम वन टू ये थर्ड से डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू एंड थ्री। अब ये हमारा जॉइनिंग पार्ट है, तो ये थ्री चैन है, यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे सेम प्लेस में, देखिए ज्वाइन किया हमने,
यहाँ सेंटर से फिर से स्लिप स्टिच लेंगे, फोर चैन लेंगे, 1 2 3 4, फोर चैन लेने के बाद ये देखिए जहाँ से हमने ज्वाइन किया सेम प्लेस में, ये देखिए स्लिप स्टिच ली थी हमने, सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1। अब ये डबल क्रोशिया है, इसके जस्ट ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से, वन टू तो हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे एंड 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाई हमने, सेम प्लेस में 2 डबल क्रोशेट है 1, उसके बाद हमने नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशेट ऊपर डबल क्रोशेट। अब हम ये देखिए एक डबल क्रोशिया हमारी लेफ्ट हुई यहाँ पे, फोर चैन। अभी जो पफ स्टिच है यहाँ सेंटर में है, सिंगल क्रोशिया लेंगे, फोर चैन लिया हमने। अब यहाँ से देखिए तो अब यहाँ से हमने एक स्टिच स्किप की, यहाँ से भी एक स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट से हम सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे 1 2 एंड 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया लिया हमने। अब ये जो 2 स्टिच हम 2 डबल क्रोशेट एक साथ लिए थे हमने यहाँ पे, तो ये सेंटर में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे 1 चैन, सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए ऐसे रो स्टार्ट हुई हमारी सेकेंड रो, फिर उसके बाद हम यहाँ से भी एक स्टिच लेफ्ट करेंगे, यहाँ से हम देखिए स्टिच के ऊपर एक स्टिच डबल क्रोशेट लेंगे 1 2 एंड 3। ये देखिए तो हमने तो हमारी यहाँ से भी एक लेफ्ट है और यहाँ से भी एक लेफ्ट है डबल क्रोशिया, ये देखिए यहाँ से भी एक है। तो ऐसे हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे, फोर चैन, फिर से एक बार ध्यान से देखिए 1 2 3 4, फोर चैन। अब हम जो पफ स्टिच का सेंटर वाला पफ स्टिच, इसमें हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, फोर चैन, ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे। अब यहाँ से हमने एक स्टिच स्किप करना है, नेक्स्ट से हमें डबल क्रोशिया बनाना है 1 2 3। अब ये हमारे जो 2 हमने एक साथ बनाए थे डबल क्रोशिया, ये देखिए सेम प्लेस में सेंटर से हम एक डबल क्रोशिया लेंगे 1 1 चैन, सेम प्लेस में फिर डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद ये स्टिच है हमारी, इसके जस्ट ऊपर यहाँ से स्टिच लेंगे 1 2 एंड 3। टोटल हमें इसमें भी 8 ही डबल क्रोशेट लेने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पहले वाली रो में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमने ली थी, 8 डबल क्रोशेट ली थी सॉरी। अब हम फोर चैन लेंगे, अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फोर चैन के बाद देखिए फिर यहाँ से एक स्टिच को लेफ्ट करेंगे, नेक्स्ट में स्किप करेंगे, नेक्स्ट से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 1, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 एंड 3। अब जो एक साथ हमने बनाए थे डबल क्रोशेट सेंटर से लेंगे, ये देखिए यहाँ सेंटर से लेंगे 1 1 चैन, सेम प्लेस में डबल क्रोशिया फिर लेंगे। अब ये हमारी जो स्टिच है यहाँ से हम स्टिच के जस्ट ऊपर एक स्टिच लेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे 1, नेक्स्ट में 2 एंड इसके पास वाले में ये 3। तो यहाँ से भी हमारी एक लेफ्ट हो गई, यहाँ से भी एक लेफ्ट है, यहाँ भी एक बच गई, यहाँ पे भी एक हमने, ये देखिए यहाँ से ऐसे हम बनाएंगे। फिर हम फोर चैन लेंगे 1 2 3 4, फोर चैन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया लेंगे, ऐसे हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए समझ आ गया होगा आपको, स्टार्टिंग में हमने फोर चैन ली, सेम प्लेस में डबल क्रोशिया लिया, देखिए स्टार्टिंग में ज्वाइन करने के बाद
फिर से एक सिंगल स्टिच से ज्वाइन किया हमने सेंटर में, फोर चैन ली, फिर हमने सेम प्लेस में डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए स्टिच के ऊपर स्टिच बनाए, 1 2 3, यहाँ से एक बच गया हमारा, फोर चैन सिंगल क्रोशिया, फोर चैन, उसके बाद एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3, ये देखिए कैसे स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ से नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे इसको स्किप करके। तो 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाया, ये देखिए अब यहाँ पे 2 हमारे एक साथ डबल क्रोशेट थे, सेम प्लेस पे हमने 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 1 2 3, यहाँ से हमने 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाया, 4 चैन सिंगल क्रोशिया, 4 चैन, फिर यहाँ से हम देखिए ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरी रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे। तो हमने अपनी रो कंप्लीट की, ये देखिए लास्ट है 1 2 3 डबल क्रोशेट, थर्ड है यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चैन है, 4 चैन से ज्वाइन करेंगे। अब ये जो 1 चैन है एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम सेंटर में आएंगे, स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन हो गया हमारा 4 चैन, 1 2 3 4, 4 चैन लेंगे। अब सेम प्लेस में ये जो है यहाँ पे सेम प्लेस में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशेट है हमारी, इसके जस्ट ऊपर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशेट बनाए हमने। ये देखिए यहाँ पहले हमने 1 2 3 4, अब यहाँ पे हमारा इंक्रीज होगा ये पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 5 हो गए हमारे। ये जो सिंगल क्रोशेट है इसमें डायरेक्ट हम पफ स्टिच बनाएंगे, देखिए 1 2 एंड 3, 2 चैन सेम प्लेस में, यहाँ पे 3 पफ स्टिच बनाएंगे 2 चैन लेते हुए, 1 2 एंड 3, 2 चैन, फिर सेम प्लेस में ये बनाएंगे 1 2 3, 2 यहाँ पे फिर से अब हम डायरेक्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशिया है जस्ट यहीं से, 1 2 3 4, अब यहाँ पे 1 चैन स्पेस है, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे हमारा 1 इंक्रीज हुआ, 1 पहले नीचे हमारे 1 2 3 4 है, अब 1 2 3 4 5, एक इंक्रीज डबल क्रोशेट इधर से हुआ, एक इंक्रीज इधर से करेंगे। वन टू थ्री एंड 4, तो यहाँ पे भी हमारे 5 है, 1 2 3 4 5, हम पफ स्टिच बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे बनाना यहीं से, ये सेंटर से लेंगे स्लिप स्टिच, सॉरी ये डबल सिंगल क्रोशेट है, इसी में हम बनाएंगे पफ स्टिच, वन टू थ्री, टू चैन, यहाँ पे हम पफ स्टिच 3 बनाएंगे, 1 2
टू चैन, वन टू स्टिच बनाई हमने थ्री, यहाँ पे भी। अब डायरेक्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, यहाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री एंड फोर, वन चैन स्पेस, वन डबल क्रोशेट, वन चैन सेम प्लेस में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर डायरेक्ट हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से चार, वन। तो ये हमारा इस रो में हमारी हर एक उसमें दो दो डबल क्रोशिया इंक्रीज होंगी। तो ये हमारी, तो नेक्स्ट पहले ये नीचे वाली रो में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब हमारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो ये एट है ये टेन है, तो ये हमारी टू इंक्रीज हुई। तो हर एक उसमें हमारी टू टू इंक्रीज होंगी, डबल क्रोशेट इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम ये यहाँ पे ट्रिपल पफ स्टिच बनाएंगे थ्री, ऐसे ही कंटिन्यू हम अपनी ये रो कंप्लीट करते हैं बनाते। देखिए हमने अपनी रो कंप्लीट की, ये लास्ट यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशेट लास्ट में। देखिए वन टू थ्री एंड फोर, फोर डबल क्रोशेट बनाए हमने। अब यहाँ पे जो फोर चैन है, वन टू थ्री थर्ड चैन से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए वन चैन स्पेस है, इसमें हम सेंटर में आएंगे, स्लिप स्टिच लेते हुए फोर चैन, वन टू थ्री फोर सेम प्लेस में। ये जो हमारा वन चैन स्पेस है, सेम प्लेस में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोशेट बनाए हमने। ये वाली रो हम इंक्रीज नहीं करेंगे अब, ये देखिए तो फोर डबल क्रोशेट बनाए। तो यहाँ पे हमने वन स्किप करना है, ये वाली जो डबल क्रोशेट है यहाँ पे, जैसे ये वाला हमने बनाया था, ये वाली रो बनाई थी स्टार्टिंग वाली, सेम बनाएंगे रो अब यहाँ पे, ये वाली रो बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने जो सेकेंड रो बनाई थी, यहाँ पे हमने एक स्किप किया था, यहाँ पे सेम रो बनाएंगे अब यहाँ पे। तो हमने एक स्किप किया डबल क्रोशिया, अब हम डायरेक्ट फोर चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चैन लेने के बाद ये सेंटर में हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया, फोर चैन, वन टू थ्री फोर, फोर चैन के बाद स्किप करेंगे वन स्टिच, वन डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट से वन टू थ्री फोर, फोर हुए हमारे। तो हम ये वन चैन स्पेस है, इसमें हम वन बनाएंगे, वन वन चैन सेम प्लेस पे वन डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट में वन टू
थ्री एंड फोर, फोर डबल क्रोशे बनाए हमने, फोर चैन पफ स्टिच है। यहाँ पे सेंटर वाली स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फोर चैन फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए वन स्टिच स्किप करके नेक्स्ट से वन डबल क्रोशिया, वन टू थ्री एंड फोर, सेंटर है वन चैन स्पेस का, वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चैन सेम प्लेस में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच है वन डबल क्रोशिया, वन टू थ्री एंड फोर, ये देखिए वन स्टिच स्किप हुई हमारी, यहाँ पे फोर चैन पफ स्टिच है, सेंटर वाली पफ स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, फिर फोर चैन लेंगे, तो ये हम अपनी रो पूरी कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमारे देखिए ये वाली रो हमने इंक्रीज़ की, तो टेन इसमें हमारे टेन डबल क्रोशेट है। यहाँ पे भी हमारी नेक्स्ट रो है जो अब ये वाली स्टार्ट हो रही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन डबल क्रोशेट इसमें भी है। तो हमारी देखिए एक रो इंक्रीज़ होगी, एक रो इंक्रीज़ नहीं होगी, सेम रो बनाएंगे। तो हमने जो इंक्रीज रो बनाई थी टेन डबल क्रोशेट, उसके जस्ट ऊपर टेन डबल क्रोशेट की ही रो बनाएंगे। ये पूरी हम रो कंप्लीट करते हैं बना के ऐसे, देखिए। तो ये हमने अपनी रो कंप्लीट की, अब ये हमारी यहाँ पे हमने फाइव डबल क्रोशेट बनाए थे, ये देखिए। तो वन वन टू थ्री फोर, जो थ्री चैन है इसको भी काउंट करेंगे फाइव, तो यहाँ पे हम फोर बनाएंगे, वन टू थ्री, ये हमने फोर डबल क्रोशेट बनाए, थ्री चैन है इसको भी काउंट करेंगे, तो ये हमारी फाइव डबल क्रोशेट है। यहाँ से ज्वाइन करेंगे थ्री चैन से, तो वन चैन सेंटर में आएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए, तो यहाँ इस साइड भी हमें देखिए, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड वन टू थ्री फोर फाइव, ये अब हमारी जॉइनिंग के बाद इंक्रीज होगी रो ये वाली। अब फिर हम इसको इंक्रीज करेंगे, ये जो पफ स्टिच वाली रो बनाएंगे अब इसको इंक्रीज करेंगे, फोर चैन वन टू थ्री फोर, फोर चैन लेने के बाद सेम प्लेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारा इंक्रीज हुआ है, वन डबल क्रोशेट इंक्रीज हुआ। अब तो अब कंटिन्यू हम वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये फाइव डबल क्रोशिया बनाए हमने। तो यहाँ पे हमारा वन इंक्रीज हुआ, ये सेंटर में जो वन चैन है, यहाँ पे हमारा वन इंक्रीज हुआ। तो अब ये हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कि इंक्रीज वाली रो है, पफ स्टिच बनाएंगे यहाँ पे थ्री, वन टू एंड थ्री, टू चैन सेम प्लेस में वन टू थ्री, टू चैन सेम प्लेस में बनाएंगे वन टू एंड थ्री, थ्री बनाए हमने पफ स्टिच यहाँ पर। ये हमारी पफ स्टिच रो है, ये वाली इंक्रीज हमारी होगी। यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे वन वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डबल क्रोशेट बनाएंगे कंटिन्यू, वन टू थ्री
फोर एंड फाइव, चैन स्पेस वन डबल पॉजिटिव, ये सिक्स। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज हुआ वन, टू चैन, सॉरी वन चैन, सेम प्लेस पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे यहीं से बनाना डबल क्रोशिया, वन, नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया, टू, नेक्स्ट में थ्री, फिर नेक्स्ट में फोर, नेक्स्ट में फाइव। तो यहाँ पे हमारी रो ये इंक्रीज हुई सिक्स, तो यहाँ पे हमारे सिक्स डबल क्रोशिया था, तो हमारी टू रो फोर डबल क्रोशिया, टू रो फाइव डबल क्रोशिया एंड टू रो, अब ये हमारी रो स्टार्ट हो गई इंक्रीज, ये रो पूरी इंक्रीज होगी पफ स्टिच वाली। इसके बाद जो नेक्स्ट रो बनाएंगे फोर चैन वाली, वो इंक्रीज नहीं करेंगे, सेम रो बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाया हमने ये वाली रो सेम बनाएंगे। तो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं पूरी रो। तो हमें कैसे बनाना है, इंक्रीज कैसे करना है, तो ये हम पफ स्टिच वाली रो इंक्रीज करेंगे, फोर चैन वाली रो इंक्रीज नहीं करेंगे। ऐसे हम अपनी टोटल फ्रॉक को, ये हम पूरी फ्रॉक कंप्लीट करेंगे। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी फ्रॉक लगती है, बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज होगी फ्रॉक, तो इसका शेप बिल्कुल आपको ए लाइन का शेप आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए ऐसे आएगी, बहुत ही प्यारा लुक आएगा फ्रॉक का। तो पहले हम इस फ्रॉक को कंप्लीट करते हैं बना के। ये देखिए हमने अपनी फ्रॉक बनाकर पूरी कंप्लीट कर ली, कितनी ब्यूटीफुल बनकर रेडी हुई है ये देखिए। तो हमने लेंथ फ्रॉक की शॉर्ट ही रखी हुई है, तो हमने रो बनाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, तो टोटल हमने 18 रो बनाई है। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, शॉर्ट लेनी है, लॉन्ग लेनी है, मीडियम लेनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। ये फ्रॉक हमने 2 से 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाई है, एंड आपको 5 ईयर गर्ल के लिए बनाना है तो आप 6 नंबर का क्रोशेट हुक यूज़ करेंगे, 3.5 mm का क्रोशेट हुक है एंड 2 ply की वुल यूज़ करेंगे, तो सेम आपका भी बनेगा, परफेक्ट साइज़ बनेगा। बट आप यहाँ से ये जो रो हमने बनाई थी चोली का साइज़ स्लीव ज्वाइन करने के पहले जो रो बनाई है, इनमें से आप एक रो बढ़ाएंगे 5 ईयर गर्ल के लिए, उसके बाद स्लीव ज्वाइन करेंगे। एंड आपको 6 ईयर गर्ल के लिए बनानी है तो आप 7 नंबर का क्रोशेट हुक यूज़ करेंगे, 4.0 mm का, बस सेम बनाना है आपको। सिर्फ यहाँ से आपको रो बढ़ानी है 2 एंड स्लीव्स उसके बाद ज्वाइन करके, स्टेप बाय स्टेप आपको सेम फॉलो करना है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लें। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। अब हम बैक साइड से बनाएंगे थोड़ा, ये देखिए ये हमने यहाँ पे पर्ल लगा ली है, बटन लगाई है हमने, आप बटन लगा सकते हो। तो ये हमने यहाँ से ज्वाइन करके 8 या 9 चैन बनाएंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे। कोइन करके कट कर देंगे। ये देखिए हमारी फ्रॉक बनकर बैक साइड से बिल्कुल रेडी हो गई है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये बैक है एंड ये फ्रंट है, एंड इसमें हमने ये फ्लावर ब्रॉच भी लगाया, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप सेम कलर का फ्लावर भी बना के लगा सकते हैं, एंड अगर आपको फ्लावर बनाना है तो आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं चैनल पे सर्च करके, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाए हैं, तो उनमें से कोई भी फ्लावर बना के आप लगा सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप मेरी बनाई हुई डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी फ्रॉक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड कमेंट करके बताइए कि मेरी बनाई हुई ये फ्रॉक आपको कैसी लगी। घर में सेफ रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।